प्रदूषण नहीं है, सिम हरासमेंट जैसा लग रहा है ना। ब्लड निकल रहा है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह की बज रहा है 9 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी हम नहा धोकर पूजा पाठ करके हो चुके हैं तैयार, क्योंकि अभी जा रहे हैं हम किचन में। आप सभी जानते हैं सुबह खाना बनाना रहता है, लेकिन वैसे ही भी आज है संडे, तो आज मुझे बहुत सारा काम करना था। बेबी के लिए कपड़े वगैरह धोना, ड्रेस का सारा कपड़ा था। और सुबह सुबह लाइट रहती है ना, अचानक लाइट जाती है, तो कल तो 11 बजे के बाद ही लाइट आया था, तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि गर्म पानी आता है तो कपड़ा जल्दी धो लेते हैं। फिर नहा धोवा लिए जल्दी से, और उसके बाद भी जा रहे हैं खाने का तैयारी करने। फिर ठंडा ही बहुत ज्यादा लग रहा है। और ये देखिए, जो हम न्यू वाला ड्रेस पहने थे, मतलब खरीदे थे, वो वाला पहने हैं। देखिए कैसा लग रहा है आप सबको। हम शादी के बाद पहली बार ऐसा मतलब टॉप पहन रहे हैं, शादी के पहले बहुत बार पहने थे। और अभी देखिए हम किचन में बना रहे हैं चाय गर्मा गर्म, क्योंकि अभी सुबह चाय पीने का मन कर रहा था। तो इधर बस हमारा चाय हो ही गया है। पतिदेव जी का भी मन है चाय पीने का, वो तो भी नहाए भी नहीं है, काम में अपना अपना काम में वो बिजी थे, क्योंकि उन पर वीडियो वीडियो कटिंग सब करना रहता है, तो थोड़ा हो जाता है लेट। और इधर हम चढ़ा दिए हैं अदहन, इधर अदहन हमारा खोलने लगा है। अभी जा रहे हैं चावल डालते हैं धोकर, तो इधर हम चावल निकाल लिए हैं। आज दोस्तों ना जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं, इसलिए ना क्योंकि आज रोटी नहीं बनाया है, क्योंकि रात का रोटी बचा हुआ था, और प्लस में बाबू का स्कूल नहीं है, स्कूल रहता है तो रोटी सब सुबह बनाते हैं, नाश्ता लंच उनके लिए, तो हम लोग भी खा पी लेते हैं, बस वही रीजन है। तो सोच रहे हैं कि अभी बाबू खेल रहे हैं, चिक्कू भी उठ गया है, डुगू भी उठ गया, इतना सुबह ये लोग उठ गए थे ना, जब पापा उठे तो उसी टाइम ये लोग भी उठ गए थे, और उठ के हमको इतना दिमाग खराब करते हैं ना, फिर उठे तो हम सोए नहीं दोबारा, फिर झाड़ू पोछा नहाना धोना हो गया, कपड़ा भी बहुत सारा धो लिए, बेडशीट वगैरह था। और संडे को तो बहुत सारा काम हो ही जाता है, आप सभी जानते हैं। तो बस अभी जा रहे हैं, ठंडा लग रहा है, स्वेटर पहन लेते हैं, और उसके बाद फटाफट से भी खाने की तैयारी करते हैं। तो बस अभी हमारा चावल भी हो गया है, मटर को भी दोनों फ्राई किए थे, फटफट से हो जाता। और अभी बाबू को दिए खाने के लिए, बस थोड़ा सा गोभी खाया, बाकी छोड़ दिया, बोला अभी नहीं खाए, मतलब उसको इच्छा नहीं है खाने के लिए। और दूसरी तरफ इधर चीकू का दवा भी खत्म हो गया, 3 से मंगवाएंगे, चीकू रखे हैं ये। और इसके बाद देखते हैं क्या होता है काम, क्योंकि दिन भर ये रहना, चावल हमको अच्छा लगता है खाने में, और अभी देखिए हुआ नहीं है। और साथ में अगर माड़ खाइएगा ना, माड़ छनका के तो बहुत यम्मी लगेगा। तो पहले अभी ये पसा लेते हैं चावल, फिर बाबू को थोड़ा सा अपनी चावल जोड़ी खिला लेते हैं, उसके बाद डुगू को नहवा भी देंगे, क्योंकि संडे है आज, तो उनको नहाना जरूरी है, ऐसे थोड़े दिन स्कूल होता है तो ठंडा में जल्दी नहवाते नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि 9 बजे से भी स्कूल जाना होता है। अभी देखिए टाइम कितना ज्यादा हो गया है, 9:30 बज गया, और अभी इनका चल रहा है मस्ती, नहीं नहाना है गुल्लू, देखिए बाय नहीं करे, बहुत बदमाश हो गए हैं ये चिक्कू, गाल दिन कितना फट गया है, इधर सोते ही नहीं है, इसमें सब चीज लगा रहे हैं, आज देखिए इनको फ्रेश करते हैं गाल को हम। मस्त, शायद हम धूप निकला है, और ऐसे में यहाँ पर खाना हो रहा है, और आज खाना में आपको देख के हंसी आएगा, क्या क्या देख लीजिए, चावल और ये पता है प्याज गोभी और मटर का भुजिया, और साथ में भिंडी का बाबू के लिए भून दिए थे। तो आज हम लोग भुजिया भात खा रहे हैं, बनाएंगे सब, थोड़ा लेट से लेट हो गया ना, इसलिए फटाफट यही नाश्ता बन गया। धूप में दाल बना लेंगे, अब बाबू के लिए आलू का चोखा बना देंगे, दाल भात बाबू धूप में चोखा खा लेगा ना बेटू। दूसरी तरफ चीकू आराम से मस्त खेल रहे हैं, और ये कलर क्या वो दिए हैं आप, सारा डिब्बा ले लिया था कलर, ये लड़का इतना कलर क्या करेगा, मतलब कलर पेंसिल करेंगे, कलर करेंगे कॉपी में क्या बेटू, बोलने वाला था चुप हो गया, यहाँ देखिए ये कलर ये करेगा, लॉलीपॉप है ना सबू, लॉलीपॉप है बेटा। तो इधर देखिए दोपहर का टाइम भी हो गया है, इसमें दाल और साथ में आलू भी डाल दिए, ताकि चोखा में काम आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम पका रहे हैं टमाटर, कभी कभी ना आलू मिक्सर खाने में अच्छा लगता है, और अचानक से डोगू के पापा का ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तभी डोगू चीकू को यहाँ पे सुलाए सोए हुए हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए दवा वा दिए हैं इनको, देखते हैं कब तक ठीक होगा, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं ना आलू में डालने के लिए कुछ
धनिया पत्ता खोट लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, और कुछ लहसुन का पत्ता भी खोट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हरा जब लहसुन का पत्ता होता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। हमारे घर में तो लहसुन है भी, बोने का यही फायदा होता है ना कि जब मूड करे तब आप खोट के ले जाओ और डाल दो, छोंक दो, बहुत यम्मी लगता है पत्ता वाला जब छोंकते हैं तो। और जो पत्ता नीचे गिरा हुआ है ना वही पत्ता हम कर रहे हैं, क्योंकि फिर बैठे आ कैसे। देखिए इतना काफी। क्या हो बेटा, पूरा नहीं कबारेंगे, ऊपर का पत्ता तोड़ेंगे ताकि इसमें जो जड़ रहेगा ना तो और भी पत्ता देगा। देखिए तो इधर देखिए लहसुन का पत्ता और साथ में धनिया का पत्ता सारा हम कोट लिए हैं। और आ रहे बिट्टू इधर इसको धो लेते हैं, तब तक हमारा दाल में सीटी भी नहीं दिया है, तुरंत डाले हैं इसमें धो लेंगे। नहीं ठीक लग रहा है, पूरा इनका दवा भी चल रहा था वो ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ हो गया है मौसम। हाँ बात तो है, अभी इतना खराब हवा चल रहा है ना, हवा की वजह से लोग बोल रहा है कि नहीं कि हवा की वजह से बहुत गिर गया बेटा। क्या हो गुल्लू बताइए, तो दिन का समय में ये डरते हैं, एकदम डरपोक हो गया मेरा बेटा। रोटी बना देगी, दाल चावल और चोखा खा लीजिएगा। कुछ खा ले, फीवर नहीं ना है? सिमरासमेंट जैसा लग रहा है ना, क्योंकि दवा इतना इनका हार्ड चल रहा है ना। देखिए दवा जल्दी कहाँ तो रख दी है खा के, दवा डॉक्टर बोला है कि दवा चेंज कर दिए थे और वही दवा इनको चला रहे हैं, फिर भी देखिए कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पूरा पूजा यहाँ दवा रखा हुआ है। देखिए दवा चेंज किया, तीन दिन से लगातार खा रहे हैं ये सुबह शाम, तीन दिन दो दिन से डबल डबल दूध को खाना है दवा, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर इतना दवा भी चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम। सर्दी जुकाम होता है लेकिन इनका इतना ज्यादा हुआ है ना कि ठीक ही नहीं हो रहा। बाबू बेटा उठ गया, सीटी के ना हवा से उठ गए, बहुत जल्दी बहुत बदमाश हो गए हैं ये, बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हैं, बहुत ही गड़ गए हैं आप मेरा गोलू। बहुत बदमाश हो गए हैं बेटा आप। तब इनको अलग, दोनों बाबा को अलग अलग सुनाए थे, और दूसरी तरफ हमको आज इधर भी बोना है, आज संडे है, आज गाछी मिलता है, देखते हैं कब तक ला के देंगे, उसके बाद फिर पता नहीं मार्केट जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, हमको तो बहुत टेंशन हो रहा है। अरहर का पूरा पेड़ ही का हो गया, फूल भी लिया था कुछ फल भी लिया था, और इधर तो ये तो डूबू तो रहने ही नहीं दे रहा, ये पत्ता को एकदम बेकार कर दे रहा है डूबू, इसको अथी कर करके तोड़ के। तब अच्छा सा दाल सीझ गया नहीं, कुर्थी की दाल है, सब मिक्स बना है, कुर्थी चना अरहर सारा मिक्स है। आज सिंपल खाना एकदम खा रहे हैं, चोखा भुजिया खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, इसके चलते सुबह भी नहीं खाया, रोटी नाश्ता किया थोड़ा सा, तो चीकू को आ गई नींद और मैडम चलिए बाजार कुछ ले आते हैं क्योंकि हमारा गाछी है बहुत कम पड़ गया है। अरे घूम के तो आना है, नहीं, नहीं, दूर थोड़ी जाना है, सो गया हम नहीं जाएंगे, जाइए ना आप डूबू चले जाइए, देख के 2 kg गाछी ले जाएगा, 1 kg में नहीं होगा। वो बाय दिया कर रहे हैं, उनको पता है बाजार जाने वाला है, थोड़ा सा भी हवा चढ़ा ना पूरा गला एकदम पूरी तरह से बैठ जा रहा है ना, देख रहे हैं सपना दिख रहा है, भगवान से बातें कर रहा है। दोस्तों अभी दोनों को गए हैं बाजार क्योंकि अभी लाना था प्याज का गाछी जो कि लगाना है, और देखिए ना पूरा मिट्टी ना पूरा सूख गया है, तो अभी जा रहे हैं ना पानी चला देते हैं ताकि थोड़ा नमी हो जाएगा, तो उसके बाद वो लाएंगे तो फटाक से हम रोप देंगे, बहुत पीछे हो गया, एक तो एक सप्ताह पहले ही रोप दिए थे और एक सप्ताह लेट हो रहे हैं, तो इसीलिए। और हमने आपसे कहा था कि सॉरी हमने बोला ही नहीं था, सॉरी भूल गए, डुगू ना बाबू धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है, आप सब बोले भी थे कि हाँ पहले से जो डुगू हैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जब घर पे बात कर रही थी ना तो माई गॉड थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई थी, डुगू इतना जोर जोर से बातें कर रहे थे मम्मी के साथ में नानी के साथ में, और जब छोटा भाई जब आया ना तो वो पूरा भैया भैया बोल के बहुत हंस रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तो फिर चलिए चलते हैं फटाफट से कर लेते हैं, वो क्लिप मैं आपको ऐड कर दूँगी। अरे देखिए नाम लिए और ये लोग आ भी गए, धीरे 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 धीरे, ये मेरा हीरो आ गया, देखिए खोल दे, हाँ तो क्या
जल्दी सब कोई आ गए, धूप भी अच्छी डबल ले आए हैं दो किलो। ठीक है, अभी जा रहे हैं फटाके, तुरंत रोक ही देते हैं इसको, लगले रोक देंगे। यहाँ देखिए आपका छोटा वाला। अरे अरे देखिए ना स्माइल, मतलब आइए मामी, मतलब आइए नानी, मामी आइए, मतलब खुश रहिए मामी जी। इधर देखिए, इधर इधर तो बहुत ठंडा है ना, जो कर दी नानी, मतलब बड़ा बाबू, अरे देखा नानी आई है, नानी बोलने ना, बोलने के लिए कैसे कर रहा, देखिए ना बोलने के लिए, नानी आइए, ढकी ढकी नहीं, गोड़ ढकी, गोड़ ढकी, मतलब नानी आइए, दादी ना रे, दादी कोई थी, ए मम्मी सुन ले, दादी, नानी ना, नानी बोल जो स्पेशल समोसा आए हैं डुगू के लिए, एगो खाए हैं और एगो छोड़ दिए हैं मम्मी के लिए, ये लड़का इधर लो, और ये ना प्याज को जा रहे ऑपरेशन करने, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वही ना हुआ, देखिए पता हो कहाँ लगेंगे जी, पता काम ना आएगा, साग सब्जी मिला रही, खाना अच्छा होता है खाने में, ये देखिए कर दिए, माँ की है ना याद है, हाँ जी बहुत अच्छा, अब देखिए तो पिछली बार अच्छा नहीं लाए थे जी, पिछली बार क्यों लिए थे, दो क्यों ले लिए हैं हम, पिछले बार मिट्टी बहुत ज्यादा था, इस बार मिट्टी नहीं, इधर पूरा सूख गया है मिट्टी, उसमें पूरा मिट्टी एकदम लकलक गिल्ला था, अब जो कुछ है मिला सुलाए और क्या, चलिए तो जा रहे हैं फटाफट से, रोक लेते हैं, हल्का हल्का धूप भी है, इसलिए इनको बोले जल्दी जल्दी जा के अब जल्दी से ले आइए, धान काट रहे बेटा, खेत सूख रहा है और धूप भी काफी ज्यादा है, ऐसे में पानी मारना पड़ रहा, फुहारा पाइप छोटा पड़ जा रहा है, उधर मत मारिए, उधर नहीं खरीद रहे, ठीक है ना, अच्छा ठीक, अरे हवा चल रहा है, उधिया जा रहा पनिया, गोनो जूता आ गया, छोटे वाले भी उठ गया सोके, हो गया ना, कितना भी किया तब वो लग गया, निकल गया, और चाहिए, दे दीजिएगा तो अच्छी बात है, अभी मजा आता है पानी पीने में, लेकिन ऐसा बाद में होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, काची काटे रुबी, नहीं पता जी, ब्लड निकल रहा है ना, अचानक से, कैसे कहाँ काटा, वहाँ पर चुप मैंने लगा हमको, तो हमको लगा कुछ गड़ा कि कहाँ काटा, नहीं पता चल रहा है, शीशा गड़ल होगा तब, शीशा होगा, काची काटेगा, यहाँ काची धीरे बोल रहा है ना, काची ना ना, उसको बाहर के जो हाथ वो फटा से छोड़ दो, कैसे काट देता है, सब्जी में काम आएगा ना, धो गया पूरा, रुक गया, फाइनली कंप्लीट हो गया, तो कैसे कट गया भैया, कुछ होगा कंकर उकर लग गया होगा शायद,